ठीक है, हम लोग गवर्नर जनरल में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग्स उनका टाइम पीरियड रहा है 1813 से 1823। तो 1813 से 23 के बीच में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमें उन्हें भी समझना है, ठीक है। तो वो तो हम समझ चुके थे, दो तीन बातें तो समझनी थी। एक तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, ये आया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। क्या था ये चार्टर एक्ट? तो 1793 में, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आने शुरू हुए। तो 20 साल बाद एक आया 1793 में, अगले 20 साल बाद आएगा 1813 में, फिर अगला आएगा 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1813 क्यों आया, पहले उसकी बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है उसके लिए थोड़ा सा हमें यूरोप की स्थिति और भारत में क्या स्थिति चल रही थी, और जिसके कारण चार्टर एक्ट 1813 में 13 आया और उसमें कुछ प्रावधान जो किए गए वो क्यों किए गए उसको समझते हैं। बैकग्राउंड में पहला है नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि फ्रांस में नेपोलियन एक बहुत शक्तिशाली नेता के रूप में फ्रांस में उभरा, और वो बहुत तेजी से दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बना रहा था और यूरोप में भी अपना प्रभाव वो जमा चुका था। तो उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम माने महाद्वीपीय सिद्धांत, ये ज्योग्राफी वाला महाद्वीपीय सिद्धांत नहीं, ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अलग है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय प्रणाली का एक सिद्धांत इन्होंने दिया। क्या था ये सिद्धांत? अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो जो ब्रिटेन है वो एक आइलैंड है नॉर्थ सी में, और बाकी यूरोप एक मेनलैंड है। तो नेपोलियन का मानना था कि पूरे यूरोप के किसी भी बंदरगाह में जो ब्रिटिश माल है ना वो उतरेगा ना वो चढ़ेगा, यानी लीडिंग लोडिंग और डीलोडिंग यूरोप के किसी भी देश के बंदरगाह से ब्रिटेन को नहीं किया जाएगा, और ना ही ब्रिटेन का माल यूरोप के उन देशों में बिकेगा जहां जहां फ्रांस का पकड़ मजबूत है, ठीक है। मान लीजिए फ्रांस की जर्मनी के साथ भी अच्छी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है, बुल्गारिया के साथ, यूक्रेन के साथ, जिसके जिसके साथ अच्छी डीलिंग है फ्रांस की, या फ्रांस ने जिन जिन देशों को गुलाम बना रखा है वहां ब्रिटेन का माल नहीं बिकेगा, ठीक है। यह सिस्टम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इसी को कहते हैं नाकेबंदी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैरिकेडिंग। तो बैरिकेडिंग कहते हैं या कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं, यह सिद्धांत था नेपोलियन का। अब चूंकि नेपोलियन ताकतवर था, अब उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेज लोग अपनी कुछ व्यवस्था बना रहे थे। तो जब नेपोलियन ने यह कहा कि फ्रांस में या फ्रांस के साथ जिन देशों की मित्रता है या फ्रांस ने जिन देशों को गुलाम बना रखा है वहां ब्रिटेन के उद्योगपतियों का माल नहीं बिकेगा, वहां के बंदरगाह में इनका माल उतरेगा चढ़ेगा ही नहीं, तो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे जो अपना माल यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, दुनिया भर में बेचना चाहते थे, वो अपना माल नहीं बेच पा रहे थे फ्रांस के वर्चस्व के कारण, तो उनको घाटा लगना शुरू हुआ। और जब उनको घाटा लगना शुरू हुआ तो उन्होंने वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पर दबाव डाला कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हमारा व्यापार फले फूले, हमें जो घाटा हो रहा है उसका भरपाई हो। तो उसका एक ही रास्ता था, वो रास्ता ये था कि भारत में वैसे भी ब्रिटेन व्यापार कर रहा था, भारत पे फ्रांस का कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो ब्रिटेन के उद्योगपति भारत में तो अपना व्यापार कर सकते थे। लेकिन दिक्कत एक थी कि भारत में ब्रिटेन से व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, यानी केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन का कोई दूसरा उद्योगपति, कोई दूसरा पूंजीपति, कोई दूसरा व्यापारी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए 1813 का एक्ट लाया गया, जिसमें एक प्रावधान यह है, हम आगे पढ़ेंगे, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत में, एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको खत्म किया गया, पूर्ण रूप में नहीं लेकिन काफी हद तक खत्म कर दिया गया। तो एक कारण तो यह था 1813 के एक्ट लाने का। दूसरा कारण था एडम स्मिथ्स मार्केट इकोनॉमी या लेसेज फेयर का एक सिद्धांत। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में उसमें पढ़ा है PSIR में, एडम स्मिथ जो कि क्लासिकल लिबरल या नेगेटिव लिबरल के थिंकर थे, जो पूरी व्यवस्था को बाजार के भरोसे छोड़ने की बात करते थे और राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करने की बात करते थे, खास करके आर्थिक क्षेत्र में। यह सिद्धांत ब्रिटेन में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ और ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपति एडम स्मिथ के इस सिद्धांत का हवाला वहां की सरकार को देने लगी।
क्योंकि सरकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट दे रही थी और बाकी पर बंधन लगा रही थी, और एडम स्मिथ कह रहे थे किसी पर कोई बंधन मत लगाओ, ठीक है। तो इसलिए वहां के पूंजीपतियों ने एडम स्मिथ के सिद्धांत का हवाला दिया वहां की सरकार को कि भाई आप हमारे को भी छूट दो, ठीक है, ठीक है। तीसरा, प्रेशर फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज। अब जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगी तो वहां के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो पूरी दुनिया में ईसाइयत फैलाना चाहते थे वो भी अब इजाजत चाहते थे ब्रिटेन की सरकार से कि हमको भारत जाने की इजाजत दी जाए और वहां जाकर के हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा दबाव वहां की सरकार पर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इनका भी दबाव था। चौथी बात, लेस इकोनॉमिक बेस ऑफ यूरोपियन गुड्स इन इंडिया। क्योंकि भारत शुरू से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल देश रहा है लेकिन अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहां पर बड़े बड़े प्रकार के मटेरियल गुड्स बन रहे हैं, साबुन बन रहा है, जूता बन रहा है, टोपी बन रहा है, बेल्ट बन रहा है, तमाम प्रकार के मटेरियल गुड्स बन रहे हैं। और भारत के लोग तो धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, उनको बेल्ट से, पर्स से, चश्मा से, टोपी से, जूता से या और भी जो मटेरियल आइटम से, मान लो कैमरा बन रहा है तो कैमरे से उनका क्या लेना देना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत की एक तो संस्कृति ऐसी थी कि हम भौतिकवादी नहीं थे, दूसरी शिक्षा का लेवल कम था जिसके कारण हम विदेशी वस्तुओं को समझ ही नहीं पा रहे थे किसका उपयोग क्या करें। लेकिन ब्रिटेन के उद्योगपति चाहते थे कि हम ये तमाम माल जो यहां पर बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, ये सब जाकर के भारत में बेचें। इसके लिए जरूरी था कि भारत के लोगों को उन वस्तुओं की समझ हो। तो समझ कैसे आएगी, पहला उनकी संस्कृति को मटेरियलिस्टिक बनाओ, दूसरा उनकी एजुकेशन को चेंज करो। एजुकेशन में वो भी क्या पढ़ रहे हैं, अभी धार्मिक प्रकार से एजुकेशन है, हम उनको आधुनिक शिक्षा देंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी महत्व समझाएंगे उनका, और तब जाके हमारा माल भारत में बिकेगा, ठीक है। तो उनका इकोनॉमिक बेस यूरोपियन गुड्स का भारत में कम था जिसको वो बढ़ाना चाहते थे। और पांचवा उद्देश्य था पार्लियामेंट्री कमिटी 1808। ब्रिटेन में वहां की संसद ने एक कमिटी बनाई थी जिसको संसदीय समिति कहा गया 1808 में, और उससे ये पूछा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है इंडिया में उसको बनाए रखा जाए या उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो पार्लियामेंट्री कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया जाए। तो ये पांच पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए 1813 का चार्टर आया। और जब आया तो उसमें क्या प्रावधान था, पॉइंट नंबर वन, चूंकि 1793 में कंपनी के लाइसेंस को भारत में 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, अब वो 20 साल खत्म हो रहा था 1813 में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही था कि कंपनीज ट्रेड लाइसेंस वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स, 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, यानी अब वो 1833 तक चलेगा। तो 1833 में फिर आएगा एक चार्टर एक्ट, बट किंतु मोनोपोली एंडेड, किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको तीन चीजों को छोड़कर के बाकी सब में खत्म कर दिया। वो तीन चीजें क्या थी, नंबर वन, वो भारत में चाय और अफीम, टी एंड ओफियम, ब्रिटेन की केवल एकमात्र कंपनी भारत में टी और ओपियम का ट्रेड कर सकती है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा बाकी जितने सामान बच गए, साबुन सोडा, ठीक है, कपड़ा लगता, जूता, उनका व्यापार ब्रिटेन की अब कोई भी कंपनी भारत में आकर के कर सकती थी। इज इट क्लियर। दूसरी बात, चीन के साथ व्यापार केवल और केवल ब्रिटेन की ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। तो मोनोपोली को लगभग 90% खत्म कर दिया गया, 10% बचा। वो 10% कहां बचा, भारत के साथ टी और ओपियम का ट्रेड केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी नहीं। दूसरा, चीन के साथ भी व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं, ठीक। तो एक प्रकार से 1833 में उसकी जो मोनोपोली थी उसको लगभग खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो क्या कंपनी भारत में अब केवल चाय और अफीम का व्यापार करने के लिए रहेगी क्या, नहीं। कंपनी ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में प्रशासन भी करेगी, यानी धीरे धीरे कंपनी के ट्रेड रिलेटेड रोल को कम किया गया और उसको एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी रोल ज्यादा दिया गया, क्योंकि कंपनी को लंबे समय से भारत में रहने का अनुभव था। इसलिए ब्रिटेन का राजा चाहता था कि भारत अब हमारा गुलाम तो बन चुका है,
लेकिन वहां हमें शासन करना है। अब हम नए लोगों को भेज करके शासन नहीं करवाएंगे, कंपनी को ही शासन करने का अधिकार हमारी ओर से दे दिया गया। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट है, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, मिशनरी माने वो पोप और नन और एक जो है क्रिश्चियन बेस भूसा में रहते हैं, ठीक है, और वो धार्मिक प्रकार से बातचीत करते हैं, तो वो भारत में उनको आने की इजाजत मिल गई। उनको आने के लिए दो उद्देश्य थे, क्यों उनको भेजा गया। पहला उद्देश्य तो ये था कि वो भारत में ईसाइयत को फैलाएंगे, पहला उद्देश्य, ठीक है। और ईसाइयत की जो सभ्यता है ऑलरेडी वो पश्चिम की सभ्यता है, यानी मटेरियलिस्टिक है, तो जब भारत के लोग ईसाइयत में धीरे 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 कन्वर्ट होने लगेंगे तो उनकी सभ्यता अपने आप मटेरियलिस्टिक हो जाएगी, और जब उनकी सभ्यता मटेरियलिस्टिक हो जाएगी तो वो हमारी वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक। तो पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य था कि भारत के लोगों को केवल ईसाई बना करके हम मटेरियलिज्म नहीं बढ़ा सकते, हमें साथ ही साथ उनके एजुकेशन सिस्टम को, उनके कल्चर सिस्टम को भी चेंज करने की जरूरत है। इसलिए दूसरा उद्देश्य जो क्रिश्चियन मिशनरीज को दिया गया वो ये था कि आप भारत में जाएंगे और विभिन्न प्रकार की सेवाएं देंगे मुफ्त में। कैसी सेवा? स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, और दया और करुणा का प्रदर्शन करने के बाद वहां लोगों का आपके प्रति मन बदलेगा, ठीक है, और धीरे धीरे उनकी शिक्षा और संस्कृति भी बदलती जाएगी और वो टोटल मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है, और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा विरोध करना भी बंद कर देंगे। ये तमाम बातें को ध्यान में रखकर के क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में भेजा गया था। तीसरा बात, कंपल्सरी एक्सपेंडिचर ऑफ नॉट लेस देन आर एस 1 लाख पर एनम बाय कंपनी ऑन एजुकेशन। कंपनी को भी ये कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज तो शिक्षा का काम करेंगे ही, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, हायर एजुकेशन, बड़े लेवल की शिक्षा, जहां पर पश्चिमी लिटरेचर, पश्चिम का ज्ञान विज्ञान, ये तमाम चीजें पढ़ाई जाएगी। इसलिए कंपनी अब से प्रति साल 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के प्रगति के लिए करेगी, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर लीगली ये बात रख दी गई कि कम से कम 1 लाख रुपया तो करना ही, ठीक है। चलिए चौथा बात, सेपरेशन ऑफ कंपनीज ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। अब इसके पहले कंपनी व्यापार भी करती थी और ब्रिटेन के राजा की ओर से भारत पर शासन भी करती थी, लेकिन दोनों का अकाउंट वो एक साथ मेंटेन करती थी, ठीक है। सैलरी इतना दिया, व्यापार इतना दिया, माने एक ही खाते पे वो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का हिसाब किताब रखती थी। और कंपनी को कह दिया गया आप दो अलग अलग खाते बनाइए, आपके ट्रेड का खाता अलग होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का खाता अलग होना चाहिए। ट्रेड के खाते से हमें मतलब नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खाते से मतलब है, ठीक है। डिविडेंड ऑफ कंपनी वाज इंक्रीज टू 10.5%। स्वाभाविक बात है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार भारत में बहुत सीमित हो गया, तो कंपनी की लाभदायकता जो है वो धीरे धीरे कम होगी, और जब कंपनी की लाभदायकता कम होगी तो ब्रिटेन के बड़े बड़े निवेशक जो कंपनी पर पैसा लगाते थे वो पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक। इसलिए उन निवेशकों को लालच देने के लिए जो डिविडेंड था, लाभांश, लाभांश माने कंपनी के फायदे में इतना परसेंट जो है उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, तो पहले वो 6-6.5% था, उसको बढ़ाकर के 10.5% कर दिया गया ताकि कंपनी को जो ब्रिटेन और बाहर के निवेशक उनसे पैसा मिलता रहे। छठवां, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फर्दर इंक्रीज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का एक निर्णय लेने वाली बॉडी थी जो कंपनी का व्यापारिक मामला देखती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी जो कंपनी में के द्वारा भारत में जो शासन का कार्य किया जा रहा है उस पर देखरेख करती थी, ठीक है। तो ये 6 बड़े पॉइंट हमने देखा चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया गया, जब लाया तो उसके प्रावधान क्या थे। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। पहली बात, एजुकेशन बिकेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। पहली बार ऐसा कहा गया कि भाई कंपनी अब भारत में शिक्षा के लिए भी कार्य करेगी, ठीक है। तो हम ही से पैसा कमा रही है, हमारा ही शोषण कर रही है, चलो ठीक है, 1 लाख रुपया प्रति साल भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, पे विद द वे
फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। यही से भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान और पश्चिमी साहित्य की शिक्षा का जो प्रारंभ है वो होता है। यानी इसी एक्ट के बाद भारत में फिर आगे पश्चिमी शिक्षा का आगमन भारत में होगा। मिशनरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, मिशनरीज के द्वारा भारत में अच्छे प्रकार के एलोपैथी हॉस्पिटल खोले गए, ठीक है, अंग्रेजी में शिक्षा देने वाले स्कूल खोले गए। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंस इसकी थी। एनालिसिस, अब इसका महत्व महत्व हमने समझ लिया, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण माने इस एक्ट में का ये कंटेंट है जो मैंने आपको बताया। विश्लेषण का मतलब उसका इंटेंट, यानी उसका असल इरादा क्या था, ठीक है। क्या इतने सारे फायदे जो यहां पर हैं कि कंपनी क्या वास्तव में 1,00,000 रुपया खर्च करेगी, क्या मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत में आ रहे हैं वो दया और करुणा और त्याग का पाठ पढ़ाने आ रहे हैं, ईश्वर के गुणों का बखान करने आ रहे हैं। रियल कहा तो यही गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ रहे हैं, ठीक है, वो ईश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे, यहां पर वो सेवा का कार्य करेंगे क्योंकि भारत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, ये तमाम बातें कहकर उनको भेजा गया। लेकिन इसका रियल इंटेंट क्या था, पहला पॉइंट, कंपनी हार्डली स्पेंड द सम ऑन एजुकेशन। पहली बात तो ये है कि कंपनी को कहा गया था 1,00,000 रुपया खर्च करना है, ठीक है, 1,00,000 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी खर्चा जो है करती थी 10 रुपया और दिखाती थी 100 रुपया, अकाउंट में दिखाना तो है, ठीक है। तो वास्तव में जो 1,00,000 रुपये खर्च सही तरीके से करना चाहिए था उतना कभी भी खर्च कंपनी द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी को अपने जेब से करना था। ब्रिटेन का राजा कोई थोड़ी दे रहा था पैसा कि 1,00,000 रुपये हम तुमको देंगे उसको खर्च करना है, कंपनी को अपने प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट भी निकालना था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको सैलरी देनी थी, अपने स्टाफ को सैलरी देनी थी और ये 1,00,000 रुपया भी देना था, ठीक है। तो कंपनी हाथ सिकोड़ सिकोड़ के काम करती थी और वास्तव में जो 1,00,000 रुपये के प्रोविजन की बात कही गई थी वो कभी फुलफिल ढंग से नहीं हुई और शिक्षा का जो विकास होना चाहिए था आधुनिक शिक्षा का वो नहीं हुआ। रियल पर्पज बात वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन पीपल, वास्तव में इसका उद्देश्य यही था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजिए, शिक्षा में परिवर्तन लाइए और कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति में ऐसा परिवर्तन कीजिए कि धीरे 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 भारत का पश्चिमीकरण होने लगे, ताकि उनकी मटेरियलिस्टिक आदत आए। और जब तक वो मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे हमारा ये जो सारा सामान पूंजीपति द्वारा बनाया जा रहा है वो कैसे बिकेगा, हम कैमरा कहाँ बेचेंगे, हम चश्मा कहाँ बेचेंगे, हम मोबाइल कहाँ बेचेंगे, हम आईपॉड कहाँ बेचेंगे, ठीक है। तो भारत की सभ्यता को पहले चेंज किया जाए, ठीक। तो इस प्रकार से एक मार्केट बेस बनाना है भारत, ठीक है। जैसे अगर हमें गंजों के इलाके में गंगी बेचना है तो पहले हमें गंजों के गंजे जो संतुष्ट होकर के बैठ गए कि चलो ये गंजापन तो ईश्वर की देन है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें विज्ञापन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, किसी भी तरीके से पहले उन गंजों की सोच बदलनी पड़ेगी और गंजों को कहेंगे कि देखो तुम गंजे हो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें झोपड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वैसा नहीं होगा, तुम्हें पिछड़ा माना जाएगा। तो जब व्यक्ति कहेंगे कि हम गंजा होगा तो क्या इसका उपाय है, तो फिर हम नए नए तेल लाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन लाएंगे और जब उनके बाल आ जाएंगे फिर हम उसके बाद कंघी बेचेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले गंजों के सर पे बाल लाना है, बाद में कंघी बेचनी, असल पर्पज हमारा है कंघी बेचना, बात समझ आ रही है। तो ब्रिटेन वाले जो भी कर रहे थे उनका असल पर्पज भारत में अपने लिए एक बाजार ढूंढना था। भारत में बाजार तो था ही पहले से, लेकिन उन वस्तुओं का बाजार नहीं था जो वो उत्पादन कर रहे थे। भारत बाजार था दाल का, चावल का, राजश्री का, उनको इनसे थोड़ी मतलब, वो राजश्री थोड़ी बना रहे थे, वो बना रहे थे मोबाइल बना रहे थे, आईपैड बना रहे थे, कैमरा बना रहे थे, टाइपराइटर बना रहे थे, टीवी बना रहे थे, ये सब बेचना था भारत में, ठीक है। तो इसलिए मार्केट बेस के लिए यह एक्ट लाया गया था। अच्छा, एक अगली बात यह भी है कि इस एक्ट में यह तो कह दिया गया 1,00,000 रुपये भारतीय शिक्षा पर खर्च करना है कंपनी को, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि हमको आधुनिक शिक्षा देनी है भारत के लोगों को। आधुनिक माने जो ज्ञान विज्ञान, न्यूटन आ चुके थे, कॉपरनिकस आ चुके थे, खगोल विज्ञान, ये तमाम शिक्षा भारत के लोगों को देनी थी। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि उसको भारतीय भाषा में दिया जाए कि अंग्रेजी भाषा में दिया जाए। इसी विवाद को कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, ठीक है। यानी एंग्लिसिस्ट माने आंग्लवादी और ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी। तो आंग्लवादी प्राच्यवादी विवाद क्या है, विवाद यही है कि 1,00,000 रुपया शिक्षा के लिए तो खर्च करें,
लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च करें कि इनकी जो देसी शिक्षा है उसके लिए खर्च करें? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचिंग का क्या हो, ये तमाम विवाद उठ खड़े हुए। भारत के जो परंपरागत लोग थे वो कह रहे थे नहीं, हम तो भारतीय विषय ही पढ़ाएंगे, यानी हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो कर्मकांड है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो अध्यात्म है, उसकी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। एंग्लिसिस्ट कहते थे नहीं, आप शेक्सपियर पढ़ेंगे, आप जॉनडन पढ़ेंगे, ठीक है, आप वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे, आप पश्चिमी सभ्यता पढ़ेंगे, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, न्यूटन पढ़ेंगे, आप आर्यभट्ट को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप कोपरनिकस को पढ़ेंगे, आप नागार्जुन को नहीं पढ़ेंगे, आप न्यूटन को पढ़ेंगे। तो ये सब बातें चल रही थी। अब इसी डिबेट के कारण जो 1,00,000 रुपया खर्च करना था वो ढंग से खर्च हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पहले ये विवाद निपटे, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत आ गई थी। अभी इस विवाद को निपटाने के लिए 1823 में एक कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी का नाम था जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पब्लिक इंस्ट्रक्शन माने लोगों को जानकारी और सूचना देने के लिए क्या माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का, तो उस पर एक कमिटी बनी थी 1823 में, ठीक है। ये कमिटी लंबे समय तक काम करती रही, कोई हल नहीं निकल पाया। 1834 में इस कमिटी के चेयरमैन बने लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मन के भी काले दिल के भी काले लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, ठीक है। इस लॉर्ड मैकाले ने 1834 में यह सिफारिश किया कि भारत में तो अंग्रेजी किस्म की शिक्षा ही देनी है, पश्चिमी किस्म की अंग्रेजी वाली शिक्षा देनी है, भारतीय वेद पुराण उपनिषद कर्मकांड ज्योतिष इसकी शिक्षा नहीं देनी, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले ने चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा कि भैया अंग्रेजी शिक्षा देना है भारत में, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा देना है भारत में। इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक या पश्चिमी शिक्षा का भारत में संस्थापक या जनक माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद बुड्स डिस्पैच, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे, लंदन में बैठते थे, उनका नाम था चार्ल्स बुड। फिर चार्ल्स बुड ने भी एक रिकमेंडेशन दिया भारत में, चिट्ठी लिख के भेजी गवर्नर जनरल को, ठीक है, यानी डिस्पैच कर दिया, अपनी चिट्ठी को डिस्पैच करना, डिस्पैच माने छोड़ देना। उस चिट्ठी को जब खोला गया तो उसमें लिखा था कि भारत में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार तो महिला है, पहले महिला की संस्कृति बदलनी जरूरी है, और महिला बदलनी तो पुरुष को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो महिला शिक्षा को, अब उसका आधुनिक रूप क्या है कि वास्तव में इनको महिलाओं से बड़ी हमदर्दी थी और महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लेकिन असल उद्देश्य महिलाओं को भी भौतिकवादी संरचना में ढालने का उद्देश्य था। इसलिए चार्ल्स वुड ने 1854 में क्या किया, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, ठीक। और इसी डिस्पैच में यह लिखा हुआ था कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो 3 विश्वविद्यालय 1857 में खोले गए, कैलकटा में, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक। तो ये कुछ शिक्षा से संबंधित जो एनालिसिस है हम यहां इसको समझे। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का बहुत तेजी से भारत में प्रचार प्रसार होने लगा, वहां बाइबल की कॉपियां छापी जाने लगी, छोटे छोटे किताबों के रूप में बाइबल और उसके उपदेशों को लोगों के बीच में बांटा जाता था, स्कूल खुलवाते थे, हॉस्पिटल खुलवाते थे, ये तमाम चीजें, ताकि भारत की जो गरीब और निसहाय जनता है वो इनकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा चार्टर एक्ट और उसका पूरा एनालिसिस, उसका इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एक टेनेंसी एक्ट आया था 1822 में, काश्तकारी कानून 1822। इस कानून में यह कहा गया था कि जिस भूमि को जो किसान जोतेगा उस भूमि का वह स्वामी होगा, मालिक होगा, तब तक जब तक वह उस भूमि का टैक्स चुकाता रहेगा, ठीक। इसी को कहते हैं काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1822। कभी कभी इसको बंगाल टेनेंसी एक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो टेनेंसी एक्ट 1822 है, तो यही है, ठीक। अब इसी के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, रैयतवारी सिस्टम, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम लोगों ने पहले पढ़ा है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इजारेदारी सिस्टम, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और अब एक तीसरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम आती है जिसका नाम है रैयतवारी सिस्टम, ठीक। क्या है ये रैयतवारी सिस्टम? वन ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लिखेंगे यहां पर हम, ठीक है।
introduced by Captain Alexander Reed in Baramahal district and later in Bombay, Madras and Assam by Thomas Munro in 1820. तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, अंग्रेजों ने तीन बड़े प्रणाली लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए बनाए थे। पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, उसमें से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने पढ़ लिया, रैयतवाड़ी पढ़ने जा रहे हैं, महलवाड़ी पढ़ लेंगे। तो तीन बड़े बड़े लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, उन्हीं तीन में से एक था रैयतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने का इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, इसके पीछे दिमाग किसका था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, एक अंग्रेज अधिकारी था मद्रास में, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, इसने उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर लागू किया था बारामहल डिस्ट्रिक्ट, यहां पर उसने लागू किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो बाद में इसको जो थॉमस मुनरो है, जो कि मद्रास के गवर्नर थे, कहां के गवर्नर? मद्रास के, उसने इनको मद्रास में लागू किया और बाद में फिर उसको बंबई के गवर्नर ने बंबई पे भी लागू किया और बाद में फिर उसको असम में भी लागू कर दिया गया। इज इट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर हो गई? रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब रैयतवाड़ी सिस्टम का फीचर क्या था? इन फीचर्स को पढ़ते समय थोड़ा सा आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके फीचर को पढ़ते हैं। नंबर वन, बेस्ड ऑन मुगल रेवेन्यू सिस्टम। इसके पहले जो जमींदारी व्यवस्था चलती थी, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, वो एकदम से भारतीय किसानों के लिए एक नई व्यवस्था थी, जिसको भारतीय किसान थोड़ा सा समझ भी नहीं पा रहे थे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसमें जमींदार ताकतवर बनते गए और जमींदार किसानों से मनमाने पैसा वसूलते थे और किसान और जमींदारों के बीच में कई बार विद्रोह जैसी घटनाएं होने लगी। ठीक है, तो इसलिए जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसको अंग्रेजों ने पूरे भारत में लागू नहीं किया, केवल बंबई कलकत्ता प्रेसिडेंसी में वो लागू था, उसको वहीं तक लागू रखा गया और दूसरे जगह पर रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया। क्यों लाया गया, हम उसके आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी उसमें था क्या? तो पहली बात तो ये थी कि ये मुगल रेवेन्यू सिस्टम पर आधारित थी, माने भारत की जनता इस प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम को पहले से जानती समझती थी, तो उनके लिए ये थोड़ा आसान मेथड था। दूसरा, LR माने लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रैयत। इसके पहले जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, उसमें सरकार और किसान के बीच में एक मिडिलमैन खड़ा था, जमींदार। किसान अपना टैक्स जमींदार को देता था, फिर जमींदार जाकर के टैक्स सरकार को देता था। ठीक है, इस सिस्टम में कोई मिडिलमैन नहीं था, सीधे सरकार ने अपने कुछ कर्मचारी लगा रखे हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो किसानों के पास जाएगा, किसान उसको टैक्स दे देगा। ठीक है, तो मिडिलमैन को खत्म कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रैयत, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश बिटवीन द रैयत एंड दी कंपनी और द गवर्नमेंट। अच्छा, यहां पर आपको रैयत शब्द का मतलब समझना है। ठीक है, अरबी में एक वर्ड है रियाया, रियाया माने जनता, प्रजा। ठीक है, उसी को फारसी भाषा में रैयत कहा जाता है और रैयत का मतलब भी है प्रजा। ठीक, अब चूंकि उस समय जो ज्यादातर प्रजा थी राजाओं की, वो कृषि करती थी, इसलिए कृषक को ही रैयत कहा जाने लगा। ठीक है, तो रियाया से बना रैयत, और रैयत का मतलब किसान। ठीक है, जो खेती कर रहा है, तो यहां पर रैयत का मतलब किसान, समझ गए? तो लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रैयत, रैयत माने किसान से डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। थर्ड बात है, रैयत वाज प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, यानी जिस खेत, जिस भूमि पर कोई किसान जितनी भूमि पर खेती कर रहा है, उस भूमि का उसको मालिक माना जाता था। आप ध्यान रखिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, मालिक जमींदार होता था। ठीक है, यहां पर आप जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक खुद किसान है, लेकिन उतने ही खेत का जितनी खेत पर वह जुताई कर रहा है। ठीक है, जितनी खेत पर वह फसल उगा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि वह स्वामी है अपनी भूमि का, तो अब वो क्या कर सकता है, अपनी भूमि गिरवी रख सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, किसी को गिफ्ट दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, किसी को सबलेट कर सकता है, माने किराए पे दे सकता है। तो ये तमाम, क्योंकि मालिक जो जो कर सकता है अपने संपत्ति के साथ, वो सारे अधिकार यहां पर किसान को मिल गए, जो कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में नहीं था, क्योंकि वो जमीन का मालिक ही नहीं था। टैक्स वाज असेस्ड ऑन लैंड दैट कल्टीवेटेड नॉट पसेस्ड, यानी अगर मेरे पास 10 एकड़ की खेत है, लेकिन उसमें से मैं केवल 5 एकड़ पर खेती कर रहा हूं, तो मेरे से लैंड रेवेन्यू उस भूमि में लिया जाएगा जितने में मैं खेती करता हूं, जितना मेरे पास है उसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था।
ठीक है, जितने भी मैं खेती करूंगा, तो अगर मुझे लग रहा है कि इस साल मौसम ठीक नहीं रहेगा या इस साल मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं खेती ना भी करूं, कम जगह पे करूं, तो जितने मैं करूंगा उतना टैक्स मुझे देना है। ये गुड पॉइंट था, ठीक है। टैक्स एसेसमेंट फॉर 20 to 30 years, यानी ये परमानेंट नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, एक बार तय कर दिया कि इतना टैक्स हम आपसे लेंगे, बस वो तय हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर टेम्परेरी असेसमेंट किया जाता था, माने 20 से 30 साल के लिए ही टैक्स तय किया जाता था। हालांकि उसके बीच में भी अगर कंपनी चाहे कि कहीं का टैक्स घटाना बढ़ाना है तो वो घटा बढ़ा सकती थी, लेकिन जनरल पॉइंट ये था कि जो सिस्टम बन गया है ये 20 से 30 साल के लिए होगा, ठीक है। रैयत विल हैव टू एविक्टेड इफ फेल्ड टू पे द टैक्स, ठीक है। अगर रैयत माने किसान जब तक जितनी भूमि पर खेती कर रहा है उस पर टैक्स देता रहेगा, उसको कोई वहां से निकाल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जब टैक्स नहीं देगा तो स्वाभाविक बात है उसको उसके खेत से बेदखल कर दिया जाएगा। टैक्सेस ओनली इन केस नॉट इन काइंड, काइंड माने वस्तु के रूप में टैक्स नहीं दिया जाएगा, कर केवल और केवल नकद रूप में दिया जाएगा, ठीक है। अब इनके कुछ दुष्परिणाम भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फीचर समझते हैं। टैक्सेस नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोड्यूस बट ऑन पोटेंशियल ऑफ सॉइल, वास्तव में आपके खेत में कितना उपज हो रहा है इस आधार पर टैक्स का निर्धारण नहीं किया जाता। आपके पास जितना खेत है उसका प्रॉपर सर्वे करवाती थी कंपनी या जो ब्रिटिश सरकार है, सर्वे करवाती थी, और इन सर्वे को करने के लिए उन्होंने पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर की नियुक्ति की, जिनके दो काम थे, इन किसानों के खेत का सर्वे करना कि इस खेत में किस लेवल का फसल हो सकता है, वहां की फर्टिलिटी क्या है, वहां की सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसी आधार पर तय किया जाएगा कि किस किसान से कितना टैक्स लेना है। और दूसरा काम था, जब टैक्स लेने की बारी आए तो टैक्स वसूलना भी उनसे, तो रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती किए गए थे, ठीक है। तो टैक्सेस ओनली, टैक्सेस नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोड्यूस बट ऑन पोटेंशियल ऑफ सॉइल। मान लीजिए मेरे खेत में जो मिट्टी है उसमें यह है कि मैं 1 किलो अनाज बोऊंगा तो 10 किलो होगा, ये उसकी पोटेंशियल है। तो अंग्रेजों ने लिख दिया कि फलाने किसान के खेत में 1 किलो से 10 किलो उपज होती है, ठीक। अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, हमारा टैक्स निर्धारित कर देगी 60%। तो 60% का मतलब है जो 10 किलो है उसमें से 6 किलो तो मुझे टैक्स के रूप में देना है। यह पोटेंशियल के आधार पर बात होगी, लेकिन वास्तव में जब किसान ने उस जगह पर उपजाया तो पता चला 6 किलो ही हुआ, एक्चुअल में 6 किलो हुआ, लेकिन तय तो हुआ था कि यहां 10 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 6, तो वो पूरा का पूरा 6 का 6 वो टैक्स में दे देगा। यानी ऐसा नहीं कि जितना हुआ है उसके आधार का 60%, नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। रिक्रूटिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। तो बड़े बड़े राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनके दो काम थे, पहला उनके खेतों का सर्वे करके बताना कि कितना टैक्स, कितना उपज होती है उस आधार पर टैक्स लगाना, और दूसरा जब टैक्स वसूलने की बारी आए तो टैक्स वसूलना उनसे। सम रिलीफ मेजर्स इंक्लूडेड, इसमें एक अच्छी बात यह थी रैयत वाली सिस्टम में कि इसमें लिखा हुआ था एक पॉइंट जिसका पालन कभी नहीं किया, कि जब कभी अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, अतिवृष्टि आ जाए, ठीक है, कोई महामारी आ जाएगी तो किसानों को कर में छूट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पालन कभी नहीं किया गया, यह आपको ध्यान रखना है, किसी भी हालत में कर में यह लिखा बस रह गया, उसका पालन नहीं किया गया, ठीक। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और था जो मैं लिख नहीं पाया, ध्यान रखना है आपको कि ब्रिटिश सरकार ने जो नहर, कुएं, तालाब, झील बनवाए थे या जिन पे इन जिन नहर झीलों पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, यदि कोई व्यक्ति उन झील, नदी, नाले, तालाब से अपने खेत की सिंचाई करता है तो उसको अलग से उसके ऊपर एक इरिगेशन टैक्स भी लगाया जाता था, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू टैक्स प्लस इरिगेशन टैक्स, तो वो टैक्स बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। बाय दिस न्यू सिस्टम, बाय दिस कोलाबरी डी, व्हेन ऑलरेडी ब्रिटिश हैड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब ऑलरेडी तुम्हारे पास एक सिस्टम है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो दूसरा सिस्टम क्यों? चलिए उसके कारण में हम आते हैं, उसके हम लोग चार कारण पढ़ेंगे। कैपिटल ए, पहला, ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जितना बेहतर काम करने का सोचा गया था उतना बेहतर काम नहीं कर रहा था, यानी उससे उतना प्रॉफिट अंग्रेजों को नहीं हो रहा था जितना वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को, जहां था उसको वहीं तक रहने दिया और नए जगह पर नया सिस्टम लागू किया।
अब क्या ड्रॉबैक्स थे वही तो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कुछ और समझ लेते हैं। पहली बात ये थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, उसमें जमींदार मिडिलमैन होता था फार्मर और सरकार के बीच में, ठीक है। और इस मिडिलमैन के कारण हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कि यदि 100 रुपया टैक्स कहीं का सरकार ने निर्धारित किया है तो उसमें से 89 रुपए गवर्नमेंट को जाएगा, 11 रुपए जमींदार रखेगा। अंग्रेजों को लग रहा था ये 11 रुपया भी क्यों जाए जमींदार के पास, पूरा का पूरा पैसा मेरे हुआ है, ठीक है। तो वो जो 11 रुपए का उनको नुकसान हो रहा था उसको वो कह रहे थे लॉस ऑफ रेवेन्यू, हमको राजस्व में नुकसान हो रहा है, अगर हम खुद वसूलेंगे तो हो सकता है कि हमारा काम 5 रुपए में ही हो जाए और हमारे पास 100 में से 95 आ जाए, 5 रुपए उसको वसूलने में खर्च होगा। तो ये लालच ने उनको मजबूर किया कि नया सिस्टम ले किया। दूसरी बात, जो मिडिलमैन थे जमींदार थे वो किसानों को अति से ज्यादा शोषण करते थे, उनसे बेगार का श्रम लिया जाता था, उनको अपना नौकर बना के रखा जाता था, मनमाना टैक्स वसूला जाता था, टैक्स समय पर नहीं मिला तो गैया गुआ साइकिल मोटर जो मिल जाए वो छोड़ के ले आना, ठीक है। तो ये शोषण ऑपरेशन किया जाता था किसान का, जिसके कारण किसानों ने कई बार जमींदारों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया, और इससे अंग्रेजी सरकार, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कंट्रोल अंग्रेजी सरकार को करना पड़ता था तो अंग्रेजी सरकार परेशान हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि परमानेंट नेचर था उसका, कि एक बार जो टैक्स तय कर दिया वो परमानेंट 50-60 साल के लिए, ठीक। अब ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि भाई समय के साथ तो हर चीज का दाम बढ़ता है तो हमारा टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने तो एक बार तय कर दिया माने हमको घाटा हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा भैया जहां लागू इसको वहीं रहो, नए जगहों पर इसको लागू नहीं करो, ठीक है। चलिए, तो इनकम उससे कम हो रही थी उनकी, ऐसा मानना था, ठीक है। इन सदर्न इंडिया दक्षिण भारत में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसको ब्रिटिश सरकार जमींदार बना ले, क्योंकि जमींदार किसको बनाया जाता था, जो थोड़ा सा मालदार आदमी हो, जो पहले से मुगल सरकार के मुगल पीरियड में पहले से कोई तालुकदार सूबेदार कुछ ऐसा रहा हो, ठीक है, थोड़ा भौकाल वाला आदमी हो, उसको जमींदार बनाया जाता था ना, किसी को थोड़ी जमींदार बना देंगे। तो ऐसे लोगों की दक्षिण भारत में कमी थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ढूंढा कि कोई जमींदार टाइप का आदमी मिले नहीं, तो उन्होंने बोला भैया यहां पर यह सिस्टम तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इन साउथ इंडिया नो फ्यूडल्स फ्रॉम मुगल पीरियड, मुगल काल से ही बड़े वहां बड़े बड़े कोई सामंती टाइप के व्यक्ति नहीं थे, असम में भी यही स्थिति, ठीक है। तो नो आउटसोर्सिंग माने जब कोई सामंत नहीं है, कोई बड़ा भौकाल मेंटेन करने वाला जमींदार टाइप का आदमी नहीं है, तो आउटसोर्सिंग माने अपना काम दूसरे से कराना। तो हम अपना काम दूसरे से कैसे कराएं, जब वो है ही नहीं उतना योग, ठीक है। तो ये परेशानी। अगली परेशानी, ब्रिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फार्मर एंड कंपनी। अब कंपनी ये चाहती थी कि जो बीच में मिडिलमैन है उसको हटा दो, ताकि फार्मर और कंपनी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, ताकि जो बीच बार बार विद्रोह होते हैं वो विद्रोह ना हो। अगला पॉइंट है, फार्मर डिडंट हैड ओनरशिप ओवर द लैंड दे कल्टीवेटेड। इसके पहले जो सिस्टम था उसमें किसान भूमि का क्या था, मालिक नहीं था, इसलिए दिन ब दिन भूमि की उर्वरता कम होती जा रही थी, क्योंकि किसान का उतना ध्यान उतना अफेक्शन उस भूमि पर नहीं था, क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है। तो इस सिस्टम में उस कमी को दूर किया गया। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी एंड द लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम। समय के साथ साथ कंपनी की जो वित्तीय आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी देना है, हमारे जो व्यापार चल रहा है उसके लोगों को सैलरी देना है, उससे मुनाफा कमाना है, 1 लाख रुपए शिक्षा पे देना है। अब खर्चे बढ़ गए कंपनी के, तो कंपनी चाहती थी कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि हमारा लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि उनकी इनकम का सबसे बड़ा साधन क्या था, लैंड रेवेन्यू। बस समझा रही? तो लैंड रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए ये नया सिस्टम लाया गया। तो ये था रैयत वारी सिस्टम। एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रैयत वारी सिस्टम के ये तो जो थे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ और भारतीय किसानों को क्या नुकसान हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।